आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है कि पहले तो ऑफर नहीं आ रही कॉलेजेस में, उसके बाद सेकेंडली उनको पहल की प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है। थर्ड है कि आप अपने स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकते। इन सब की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है हमारे पास, वो सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में दूंगा। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। तो कनाडा में जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो ऑफर ही नहीं आ रही, अब कॉलेजेस ने भी अपना क्राइटेरिया टफ कर दिया, उन्होंने एंट्री क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। इवन जैसे यॉर्क विलेज यूनिवर्सिटी थी पहले 5.5 एंड 3 मॉड्यूल में भी वो ऑफर दे देती थी, अब वो 6 ईच कर दिया उन्होंने। इसी तरह और भी कॉलेजेस ने अपना क्राइटेरिया टफ किया है, तो अब कॉलेजेस भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि उनको उसी स्टूडेंट को ऑफर देना जिसका प्रोफाइल बढ़िया है, ताकि उनका जो पैल है वो खराब ना हो, क्योंकि उनको लिमिटेड ही है कि जितनी उनको सीट्स मिली है उतने ही वो पैल इशू कर सकते, उससे ज़्यादा एक भी पैल इशू बढ़ के नहीं कर सकते। तो कॉलेजेस ऑफर देने में भी चूजी हो रहे हैं, पहली प्रॉब्लम आ रही है ऑफर। जहां बच्चे आजकल 22-23 लाख लगाने को तैयार हैं वो कनाडा जाते हैं, तो उनको ऑफर में प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड प्रॉब्लम आई थी, अगर मान लो ऑफर आ भी गई तो क्या उसको उनको उस प्रोग्राम में प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ये सिर्फ ओंटारियो की अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने की है, जो ओंटारियो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, बाकी जगह भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरा आता है कि आप प्लस टू के बाद स्पाउस को नहीं साथ लेके जा सकते, या बैचलर के बाद भी पीजी डिप्लोमा करने जा रहे तो स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकते। इन सब का एक सोल्यूशन है, वो है मास्टर्स। बेल्स ओवरसीज की R&D टीम ने ये रिसर्च करके निकाला कि आप 1 ईयर की मास्टर्स लेके जाइए जिसकी की फीस $18,000 के पास है। हमारे पास भी ऐसे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप 1 ईयर की मास्टर्स लेके जाएंगे। तो 1 ईयर की मास्टर्स के बाद भी आपको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी PR में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप 1 ईयर की मास्टर लेके जाएं। आप अगर मान लीजिए अगर आपकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा भी है, 2-3 हज़ार अगर आपके स्कैड बढ़ के भी फीस है, तो भी आप मास्टर्स को चूज़ करो। मास्टर्स के बेनिफिट क्या है, एक तो आपको कोई भी वो कैपिंग के अंदर नहीं आता, कोई आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लेने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट वे आप अपनी ऑफर लीजिए, फीस जमा कराइए, फाइल लगाइए। दूसरा, अगर आप अपने मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को भी साथ लेके जाना चाहते हैं, बच्चों को भी लेके जाना चाहते हैं, तो भी वो लेके जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजा, विद फैमिली भेजा, मास्टर्स वाले स्टूडेंट, और मास्टर्स का रिजल्ट्स भी जल्दी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है, क्योंकि मास्टर्स की वीज़ा सक्सेस 90% से अबव रहती है। चाहे आप किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप MBA जा रहे हैं, MCOM जा रहे हैं, चाहे आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो भी आपकी हर एक प्रोग्राम में जो वीज़ा सक्सेस है 90% से अबव है, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस है कि आपको वीज़ा भी ग्रांट हो ही जाएगा। तो ये एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है। और फिर भी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मास्टर्स में कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो उसकी मैंने लिस्ट नीचे दी हुई है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी इसमें एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं, तो आप अपना प्रोफाइल नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे कि आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, मास्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बन रही है या नहीं बन रही है। तो प्लस बेल्स ओवरसीज के पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जहां पर आप विदाउट आइल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, तो हम आपकी एडमिशन जरूर करवा देंगे। सितंबर इनटेक में एडमिशन हो जाएगी, लेकिन आपकी जब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आ जाएगी फाइल आपकी तभी लगेगी। तो इसी तरह अपडेट्स जानने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक फैल सके। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर।